साउथ दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास एमबी रोड पर आज भारतीय जनता पार्टी के छतरपुर से पूर्व विधायक ब्रह्म सिंह तंवर के नेतृत्व में स्थानीय महिला और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार की नई शराब नीति के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में पूर्व विधायक ब्रह्म सिंह तंवर, बीजेपी नेता अरुण के साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार की नई शराब नीति के खिलाफ दिल्ली बीजेपी के द्वारा जगह जगह प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। वहीं आज साकेत मेट्रो के पास एमबी रोड पर छतरपुर से पूर्व विधायक रहे ब्रह्म सिंह तंवर ने नेतृत्व में आज स्थानीय महिलाओं के साथ शराब नीति के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए पूर्व विधायक ब्रह्म सिंह तंवर ने बताया कि दिल्ली सरकार को नई नीति के तहत जगह जगह एक बार में 3,344 शराब के ठेके खोल रही है। हम उसका विरोध कर रहे हैं और आज यहां साकेत मेट्रो स्टेशन के पास स्थानीय महिलाओं के साथ मिलकर हम धरने पर बैठे हैं और यह धरना रोज चलेगा। इसके अलावा आगे फिर भी ठेका खुलता है तो जिस दिन ठेका खुलेगा उस दिन अंदर तोड़फोड़ भी की जाएगी, उसके जिम्मेदार दिल्ली सरकार। मंडल में आप विरोध कर रहे हैं? इस हमारे वार्ड में केजरीवाल के 4 ठेके खोलने का प्लान है। पहला ठेका हमारा एमबी रोड पे है और दूसरा ठेका मैदानगढ़ी गांव में है, तीसरा ठेका राजपुर में है और चौथा ठेका अनुपम अपार्टमेंट में है। हमारे क्षेत्र के युवा साथियों को, युवा पीढ़ी को इस शराब की लत में डालने का जो काम केजरीवाल सरकार कर रही है उसके खिलाफ आज हमारे बीच हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक ब्रह्म सिंह तंवर जी भी मौजूद हैं, हमारे बीच जिला प्रभारी छतपाल जी मौजूद हैं और हमारे सभी वार्ड के कार्यकर्ता और यहाँ के स्थानीय लोगों का यही विरोध प्रदर्शन है कि जब तक ये ठेका यहाँ से बंद नहीं हो जाता तब तक हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। आगे क्या योजना रहेगी? आगे की यही योजना रहेगी कि जब तक ये ठेका यहाँ से बंद नहीं हो जाता जब तक हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और डीएम को ज्ञापन भी जाके देंगे, हम सभी का क्षेत्रवासी साइन करा के ज्ञापन भी देंगे। 4 गांवों का ये वार्ड है और कॉलोनी है पर लेकिन 4 ठेके इस वार्ड में खोले जा रहे हैं। हम ये चाहते नहीं, हम तो एक भी ठेका नहीं चाहते। उधर सब बोतल पे लिखा होता है कि शराब स्वास्थ्य के लिए खराब है, सिगरेट शराब स्वास्थ्य के लिए खराब है, लेकिन जो लिखने वाले हैं वही ठेका खोल रहे हैं। हमारे बच्चों को आने वाले समय को नष्ट कर रहे हैं, उनका स्वास्थ्य नष्ट कर रहे हैं, उनकी एजुकेशन को नष्ट कर रहे हैं। अच्छे काम करने के बजाय ये ठेके की तरफ खोलने का जो इसने बीड़ा उठाया उसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी सैलजा मंडल की तरफ से और गांव वासियों की तरफ से ये यहाँ पे धरना रखा गया और ये अनिश्चित काल के लिए रखा गया है। रोजाना यहाँ पे बैठेंगे, जिस दिन ये खोलेंगे उस दिन यहाँ पूरी जोर से सारा गाँव इकट्ठा होगा और तोड़फोड़ भी करनी पड़ेगी तो वो सब करेंगे मिल करके, लेकिन यहाँ पे हम ठेका खोलने नहीं देंगे। यहाँ पे नया कार्य नीति के विरोध में बैठे हैं सड़कों पर और क्या सरकार को संदेश देना चाहते हैं सीधा सीधा? ये सरकार दिल्ली को बर्बाद करने का निर्णय है, ये जो सरकार की आबकारी नीति है, ये सरकार दिल्ली के लोगों को पीने का पानी मुहैया नहीं करा पाई, लेकिन शराब घर घर पहुँचे उसकी व्यवस्था कर रही है। एक और तो ये सरकार कहती है कि हम दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ये सरकार ने नई आबकारी नीति के माध्यम से दिल्ली के लोगों की जेब पर डांका डालने का काम किया। वो जो फ्री का माल था वो जेब में पैसा बचना नहीं चाहिए, उसको वापस लेने का इसने ये रास्ता अपनाया है। नानी जी इसको दर्शन देती हैं तो इसको राम मंदिर का विरोध करने के लिए उकसाती हैं और फिर नानी जी इसको दर्शन देकर ये नहीं कहती कि शराब की दुकानों में भी भगवान राम शराब में आस्था नहीं रखते थे, तो वो नानी और भगवान राम मंदिर में जाता है, भगवान राम के दर्शन करता है और उधर आकर के ठेका खोलता है। तो ये कैसा नानी का स्वप्न था हमें समझ में नहीं आया, जो राम मंदिर के विरोध की बात करता है लेकिन शराब का ठेका खोलने की अनुमति देता है। जय हो।